नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। महेंद्र सिंह धोनी की एक बार फिर से चर्चा हो रही है। महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा क्यों हो रही है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आपको बताइए कि वनडे सीरीज टीम इंडिया हार गई थी, जिसके बाद T20 सीरीज उसे अपने नाम की। लेकिन इस पूरी सीरीज में आप देखें, वनडे और T20 दोनों भारत के जो स्पिनर्स रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा दबदबा रहा है अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में, जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है, वो इस पूरे दौरे में अभी तक फीके ही नजर आए। सिर्फ एक मैच में चहल के प्रदर्शन को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी मैच हुए, कुल मिलाकर 6 मैचेस हुए, उसमें भारतीय स्पिनरों का वो दबदबा नहीं रहा जैसा दबदबा उनका बाकी किसी टूर्नामेंट में होता है। युजवेंद्र चहल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, ये ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि पेसर्स के खिलाफ अच्छा खेलती है, उसको माना जाता है कि कंपैरेटिवली वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाती है, वो भी अच्छा खेली और वहाँ पर उनके स्पिनरों ने बहुत अच्छा किया। हमारे स्पिनरों से एडम जैम्पा ने, मिशेल स्वेप्सन ने, ग्लेन मैक्सवेल ने, एश्टन एगर ने कंपैरेटिवली बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है महेंद्र सिंह धोनी। ये कहना है टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज किरण मोरे का। किरण मोरे का मानना है कि अब स्पिन गेंदबाजों को विकेट के पीछे से धोनी की सलाह नहीं मिल रही है, जिसके चलते वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धोनी के समय में गेंदबाजों को लगातार उनसे सलाह मिलती रहती थी कि किस लाइन पर या फिर किस लेंथ पर गेंदबाजी करें। अब धोनी विकेटों के पीछे से सलाह नहीं दे पा रहे हैं, अब धोनी विकेट के पीछे नहीं है, जिससे भारत के स्पिनर संघर्ष कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कुलदीप या फिर जडेजा अब एक जैसे गेंदबाज नहीं रहे हैं। मोरे ने आगे कहा कि धोनी 2005 से लेकर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खेला है, 2010-12 साल तक बहुत ही शानदार तरीके से अपना कार्य संभाला, उन्होंने कहा, जिससे कोहली मैदान में कभी बेफिक्र होकर आराम से खड़े हो सकते थे अपनी कप्तानी में भी, लेकिन अब उन्हें गेंदबाजों से बात करने के लिए या तो कवर या फिर मिड ऑफ पर आगे खड़े रहना पड़ता है। तो ये कहता है, तो ये कहा है भाई किरण मोरे ने, उनके मुताबिक भाई महेंद्र सिंह धोनी का ना होना बहुत बड़ा एक तरीके से सेटबैक है टीम इंडिया के लिए, और शायद इंडिया के जो स्पिनर्स हैं इसी वजह से वो फीके साबित हो रहे हैं, उतने असरदार साबित नहीं हो रहे हैं। आपका क्या मानना है मोरे की इस बात पर? क्या आप सहमत हैं उनके इस कॉमेंट से? तो बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।